नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। इराक में रॉकेट हमला, अमेरिका और ब्रिटिश सैनिकों समेत 3 की मौत। जी हां, इराक के मिलिट्री बेस पर दागे गए रॉकेट हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 ब्रिटिश की मौत हो गई है। अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बगदाद के उत्तर में तेजियां बस में रॉकेट दागे गए हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ के मुताबिक इराक में अमेरिकी सेना के प्रवक्ता माइल्स कैंगिस ने बताया कि इराक के ताजी बेस कैंप में 15 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात ज़्यादा जानकारी नहीं दी। वहीं एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रक लॉन्चर से 30 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें करीब 18 बेस पर लगे हैं। इसी मौके पर आला अधिकारियों से बातचीत के दौरान, हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा था किसी ग्रुप ने यह रॉकेट हमला किया है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने 15 कत्यूश रॉकेट दागे हैं, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे हुए अमेरिकियों में से 1 सैनिक था और दूसरा 1 कॉन्ट्रैक्टर था। आखिर कब तक ये हमले होते रहेंगे? इराक और अमेरिका के बीच में सुलह होने के नामो निशान नहीं नज़र आ रहे। थोड़ी बातचीत होती है, उसके बाद फिर आगाज़ हो जाता है जंग का। ऐसी ही लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि हम भी जानते रहें क्या है देश दुनिया की खबरें। नमस्कार।